जैन साथियों, बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो काफ़ी लंबे समय से इसका वेट कर रहे हैं कि इसकी वैकेंसी कब तक आएंगी, लेकिन अभी आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है जो कि मैं इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूँ और एकदम कन्फर्म इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पे दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को वीडियो समझ में आए और जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वो सारी जानकारी आप सभी को मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर मिलने वाली सभी वीडियोज आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। आप एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक यहाँ पे अच्छा मौका है। आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है जो कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो एक इसकी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी जिसमें आपके उनको लास्ट ईयर के मिल जाएंगे, एक आपको संपूर्ण गाइड मिल जाएगी जिसमें आपको टॉपिक वाइज और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आप सभी को पूरा जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। लगभग 2800 प्लस यहाँ पे आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और पूरे सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे दिया गया है। आप इस बुक को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अमेजन वगैरह पे आप सभी को मिल जाएगी और भी प्लेटफॉर्म पे आप सभी को मिल जाएगी, और ऑफलाइन आप इसे मार्केट से जाके भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें पूरा टॉपिक वाइज आपको दिया गया है, प्रीवियस ईयर को देखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इसे तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूँ अगर आप इस बुक को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से जाके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये वो ऑफिशियल नोटिस है जो कि DGCRPF की तरफ से जारी किया गया था और 4 मार्च 2020 को जारी किया गया था। आप सभी को बता दें कि इस नोटिस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और आप सभी को डिटेल में बता चुका हूं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इसे जारी किया गया था उन एजेंसी के लिए जो भी इसके एग्जाम करवाने में इंटरेस्टेड हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वो इसके एग्जाम वगैरह की पूरी चार्ज ले लेगा और वो आप सभी के एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे आप सभी को बता दें, प्रोफेशनल एजेंसी फॉर द ईयर ऑफ 2020-21 के लिए इसे जारी किया गया था जिसमें ये सभी काम उस एजेंसी को करने थे। आगे बात कर लेते हैं तो आगे आप सभी को बता दें कि हर एक ईयर जो होता है वो जारी किया जाता है कि हमारा इतना बजट है, इतने बजट में हमें एजेंसी को हायर करना है और वो ये काम करवाएगी। इसी तरीके से इसे जारी किया गया था जिसके लिए एक डेट दी गई थी। आप सभी को बता दें कि बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी फिल की जानी थी बट कोविड की वजह से ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन अभी आप सभी के लिए यहाँ पे मौका निकल के आया है कि इन वैकेंसी को बहुत ही जल्दी जारी किया जाएगा। डेट भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि डिटेल ऑफ रिक्रूटमेंट्स, तो यहाँ पे जो वैकेंसी की संख्या थी, जितनी बार वैकेंसी निकाली जानी थी 2021 में, उन सभी की यहाँ पे संख्या दी गई है। सबसे लास्ट में देखेंगे एफ यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, यहाँ पे दिया गया था 875 वैकेंसी की बात की गई थी जिसके लिए अनुमानित 1,00,000 फॉर्म सोचे गए थे कि लगभग 1,00,000 फॉर्म इसके लिए आएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी बात आप सभी को बता दें कि 875 वैकेंसी को उम्मीद है कि बढ़ा के लगभग आपके 1,000 प्लस वैकेंसी ये हो जाएंगी, क्योंकि जो वैकेंसी टाइम पे आनी थी उस पीरियड में ये वैकेंसी नहीं आई, तो वैकेंसी बीच में भी जो वैकेंट हुए होंगे उन पोस्ट को भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा और सेप्टेम्बर के मिड तक आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत ही जल्दी आप सभी को इसका एक शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा जिसमें आप सभी को बता दिया जाएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए। हालांकि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसकी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या इवेंट इसमें होते हैं और टाइपिंग टेस्ट वगैरह सब के बारे में डिटेल दी गई है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो मेरी तरफ से आप सभी को वेरी बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।